मॉम फूडी क्लब वेलकम यू अगेन। आज मैं बहुत ही हेल्दी हरी मिर्च का अचार बनाने जा रही हूँ। ये अचार मैं बिना तेल और बिना मसाले का बनाऊंगी। ये बिल्कुल ऑयल फ्री होने के कारण बहुत ही हेल्दी भी बनेगी। सबसे पहले 250 ग्राम मिर्ची को अच्छे से धोकर सुखा लेंगे। इसमें पानी की मात्रा नहीं होनी चाहिए। यदि धूप नहीं है तो आप पंखा में भी इसे सुखा सकते हैं। इसके बाद मिर्ची का डंठल तोड़ के निकाल लेना है। अब सभी मिर्ची में चाकू से चीरा लगा लेंगे। मिर्ची का अचार बनाते समय आँख मुँह नाक टच करने से परहेज करें। यदि आप मिर्ची के हाथ से टच करेंगे तो जलन होगी। चीरा इस तरह से लगाएंगे कि ये एक दूसरे से ज्वाइंट ही रहे। सभी मिर्ची में चीरा लगाने के बाद इसे एक गिलास के जार में डालेंगे। अब मिर्ची में 5 चम्मच नमक डालेंगे। नमक की क्वांटिटी ज़्यादा रखना है। नमक ज़्यादा डालने से अचार खराब नहीं होती है और सालों साल चलती है। आप अचार कभी भी निकालें तो हाथ और चम्मच दोनों सूखी होना चाहिए। अब मिर्ची में 5 लेमन काटकर इसका जूस डालेंगे। आप दूसरे हाथ के फिंगर के बीच लेमन का जूस निकालें। ऐसा करने से रस जार में चला जाएगा और बीच फिंगर के ऊपर ही रह जाएगी। इस तरह से 5 लेमन को काटकर उसका जूस डाल दें। अब जार को हिलाते हुए अच्छे से मिक्स करें। ऐसा करने से लेमन और नमक मिर्ची में अच्छे से मिल जाएगी। अब इसे 10 से 15 दिन के लिए धूप में रख दें। बीच बीच में मिर्ची को पलटते रहना है। मिर्ची का कलर चेंज हो जाए और नमक अच्छे से घुल जाए तब समझिए मिर्ची का अचार बनके तैयार है। यदि दोस्तों आपको ये रेसिपी पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।